हेलो एवरीवन आज हम बनाएंगे बैगन का भरता मेरे अपने स्टाइल में लिटिल ट्विस्ट के साथ सो वेलकम टू माय लाइफ इन न्यू डायरेक्शन आई एम नेहा आप बैंगन पहले ले लीजिए बैगन को आप इस तरह से चूज कीजिएगा कि ज़्यादा भारी ना हो हैवी ना हो हैवी होगा तो उसके अंदर मोटे बीज होंगे जो अच्छा नहीं लगता है भरते में तो पहले आप बैगन को अच्छे से वॉश करके किसी कपड़े से ड्राई कर लीजिए उसे पोच के उसके बाद उसे ग्रीसिंग कर लीजिए जो आप ऑयल यूज़ करते हैं अच्छे से उसमें अप्लाई कर लीजिए ऑयल अप्लाई करने से ये होगा कि आपका जो बैंगन जब आप पील करोगे रोस्ट होने के बाद वो बहुत अच्छे से जल्दी पील हो जाएगा उसे वॉश करने की के जरूरत नहीं पड़ेगी आप किसी सॉस पैन में पहले पानी बॉईल कर लीजिए इसमें अपने पीज ऐड कर लीजिए लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर लीजिए मैं ऐसे ऐड करती हूँ भरते में तो भरते का टेस्ट और भी अच्छा आता है तब तक हमारा सारा मसाला भी रेडी है बैंगन भी रोस्ट होकर रेडी है आप अपना फ्राई पैन चढ़ा दीजिए अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए ऑयल ऐड करने के बाद जब ऑयल अच्छे से हीट अप हो जाए उसके बाद हम इसमें अपने अनियंस डाल देंगे मैंने टू मीडियम साइज अनियंस लिए हैं फाइनली चॉप कर दिया है इसे आप इसे अच्छे से ये, मीडियम टू तो लो फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने चोप्ड गार्लिक्स मैंने थ्री टू तो फोर क्लोव्स ऑफ गार्लिक ले लिया फ़ाइनली चॉप कर लिया है अच्छे से इसे फ्राई करेंगे कि इसकी रॉ स्मेल भी निकल जाए और थोड़ा फ्राई भी हो जाए ये अब इसमें टू ग्रीन चिली फ़ाइनल चोप ऐड कर लेंगे अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं रेड पाउडर रेड चिली पाउडर तो आप इसमें वन ग्रीन चिली ऐड करें मैं रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करूँगी टू मीडियम साइज़ टमाटो ले लीजिए आप फाइनली चोप करके इसे डाल दीजिए इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले बैंक कवर तो बहुत ही टेस्टी बनता है आप ट्राई कीजिए और ये थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ मेरी रेसिपी है इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा और कैसे बनना है ये आपका अब जो इसमें हम गिने ऑयल से ग्रीसिंग की थी ये बहुत इजीली इसका पील हो जाएगा आप इसे पील करके इसे वॉश मत कीजिएगा नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अब इसे अंदर से एक बार चेक कर लीजिएगा देखिए इसमें थोड़े मोटे बीज हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे तो मैंने ये बीज इसमें से हटा दिए हैं जो मोटे मोटे हैं आपके पास भी मोटे बीज है तो हटा दीजिए अभी डन हो गया है हमारा मसाला हमें इसमें ऐड कर लिया है सॉल्ट एज पर टेस्ट मैंने टू स्पून ऐड कर लिए हैं टर्मरिक पाउडर आप इसमें ऐड कर लीजिए थोड़ा सा गरम मसाला वन टेबल स्पून थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी मैंने टू स्पून ऐड कर लिया है थोड़ा सा मैंने इसमें आ, जीरा रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड किया है दैट इज़ ऑप्शनल आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं कसूरी मेथी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं अदरवाइज ऑप्शनल है अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए बहुत ज़्यादा फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें मैंने अपनी पीस डाल दिए हैं जो ऑलरेडी बॉइल कर चुकी थी मैं अब इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे सो दैट कि पीस थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो थोड़े अच्छे लगते हैं टेस्ट में आपके बैंगन रेडी है इसे थोड़ा सा आप कट कर लीजिए सो दैट कि अच्छे से जब आप इसे फ्राई करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है कट करने के बाद आप इसे ऐड कर लीजिए इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए कि आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है लो फ्लेम नहीं आप मीडियम फ्लेम पे कीजिए सिर्फ हाई फ्लेम पे करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे से लगने का चांस होता है लो फ्लेम में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा इतना टेस्टी भी नहीं होगा थोड़ा तो मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राई करेंगे इसे कवर करने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से रोस्टेड है हमने इसे गैस पर ही रोस्ट किया है गैस के ऊपर रख के अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए दिस इज़ ऑलमोस्ट डन थोड़ी देर आप इसे मिक्स करते रहिए अच्छे से इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपके अच्छे से डाल दिए हैं आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट डन दिस इज रेडी टू ईट नाउ आप आराम से इसे अपनी रोटी के साथ चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ बाय टेक केयर